पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार की राजनीति में री एंट्री कर ली है। बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को बिहार में विधान परिषद के उपचुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। सुशील मोदी की खाली हुई सीट पर सोमवार को शाहनवाज हुसैन ने नामांकन भी दाखिल किया। नामांकन पत्र में शाहनवाज ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। ऐसे में इस वीडियो में आपको बताते हैं कि शाहनवाज हुसैन की कुल संपत्ति कितनी है और क्या वाकई शाहनवाज की पत्नी रेणु हुसैन की संपत्ति उनके पति से 8 गुना अधिक है। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन की संपत्ति पर एक नजर डालते हैं। नामांकन पत्र के अनुसार शाहनवाज हुसैन की कुल अचल संपत्ति 22,78,000 रुपए है। वहीं 3,70,00,000 की अचल संपत्ति है। शाहनवाज के पास गाजियाबाद और नोएडा में 2 फ्लैट्स भी हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.5 से 2 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा एक 2006 मॉडल की अम्बेसडर कार भी है। लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि शाहनवाज पर 1,07,00,000 का लोन है। वहीं बात अगर शाहनवाज की पत्नी रेणु हुसैन की करें तो ये तथ्य बिल्कुल सही है कि रेणु की संपत्ति उनके पति शाहनवाज की तुलना में 8 गुना अधिक है। शाहनवाज के पास जहां 22,78,000 की चल संपत्ति है तो वहीं उनकी पत्नी के पास 1,92,00,000 की। इसमें 37,00,000 रुपए के आभूषण भी शामिल हैं। हालांकि अचल संपत्ति की बात करें तो शाहनवाज इस मामले में अपनी पत्नी से ज्यादा अमीर हैं। शाहनवाज और उनकी पत्नी रेणु के वार्षिक आय की बात करें तो यहां रेणु की आय शाहनवाज की तुलना में काफी ज्यादा है। साल 2019-20 में फाइल की गई आयकर रिटर्न के अनुसार शाहनवाज प्रति वर्ष 4,20,000 रुपए कमाते हैं, वहीं उनकी पत्नी 13,81,000 रुपए। शाहनवाज की पत्नी पेशे से टीचर हैं। मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं, वहीं काम कर रहा हूं, लेकिन एक सुशील मोदी जी की जो सीट खाली हुई थी उसको फुल करने के लिए पार्टी ने आदेश दिया है विधान परिषद के लिए। पार्टी का सिपाही हूं, जो भी हुक्म पार्टी करती है उसको मानता हूं और जो पार्टी का आदेश है उसका पालन कर रहा हूं। इधर शाहनवाज हुसैन का निर्विरोध रूप से बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर चुना जाना तय माना जा रहा है। बिहार में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होना है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर कैबिनेट में शाहनवाज हुसैन को भी जगह दी जाएगी। इससे एक तरफ जहां बिहार के मुस्लिम समुदायों में अच्छा संदेश जाएगा, वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों को करारा जवाब भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।